लोगों की आवाज उठाई उन्होंने जिथे कि कोई भी किसी भी समस्या आई अबव पार्टी लाइन उठ के उन्होंने हक ते सच दे वास्ते लड़ाई लड़ी अज इस करके उन्होंने लोग याद कर रहे हैं जिथे अज दे समाज के अंदर लोगों ने राजनीति नूं इक धंधा बना लिया उन्होंने सेवा भाव दे नाल सेवा की है। मैं समझदा भी अज जो उन्होंने बरसी से सारे इकट्ठे हुए तो गुसाई परिवार के उत्ते भी बड़ी जिम्मेवारी बनती है तो समाज वास्ते भी जिहड़े आदर्श उन्होंने स्थापित किए थे उन्होंने चलन का समय है जिसनों लैके सारे इकट्ठे हुए जी। गन्ने की कीमत सरकार ने 11 रुपए बढ़ाने की गल की किसान विरोध कर रहे गन्ने रेट ज्यादा बढ़ना चाहिए सी जी। देखो अजे जो बताया इन्होंने कि उस गल से पूरे उतरनगे या इलेक्शन के मद्देनज़र इस किस्म के जोड़े वादे कर रखे हैं क्योंकि वादे तो इन्होंने पहले भी बहुत सारे किए हैं। मिल्स के नाल बैठ के प्राइवेट मिल का अजे भी बकाया पे है। सरकार की जी फाइनैशियल पोजिशन है उन्होंने देखते हुए किस तरह अपने इन्ह वादों के उत्ते पूरे उतरनगे क्योंकि इस सरकार की झूठ से पोल हर कदम से सामने आई है। इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू करती जिदा कि कोई अजे अता पता ही नहीं जिहड़े 1000 रुपये देने का प्रोमिस किया भी कित नहीं वो भी लोगों के अंदर इस तरह कोई ना कोई घटा पाएंगे। लोगों का सब तो वड्डी जिहड़ी गल है लोगों का सरकार के उत्तों विश्वास उठ गया क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई सरकार की विश्वसनीयता होती है भी सरकार ने जो काम कहता वो सिरे चढ़ूगा जिस करके सरकार के जो भी झूठे खोखले दावे है उन्होंने अज कोई भी बंदा पंजाब का यकीन करने वास्ते तैयार है। लुधियाने एनकाउंटर किया पुलिस ने व्यापारी अगवा कर तुसी आए थी जी तो तुहानू की लगता है कि भाजपा का मन्ना सुन लैके जिथे एनकाउंटर किया उत्ते तुसी नाल दी नाल कल आ भी खबर देखी होनी है भी जेल के अंदरों फिर मोबाइल मिले जेलों के अंदरों फिर उस तरह वीडियो रिलीज हो रही है। वो तो हम कोई एडा वड्डा कोई गैंगस्टर भी है नहीं जिस तरह लॉरेंस नूं बना रखे इन्होंने उस किस्म की वो तो कोई है नहीं कोई टुचे बदमाश है जिहड़े उत्थों अंदर अपने भंगड़ा पा के वीडियो की एक नुमाइश कर रहे हैं। सरकार की कमजोरी जिहड़ी है सरकार की विश्वसनीयता ऑफिसर्स के अंदर खत्म हो गई कोई भी ऑफिसर इन्हां दी अथॉरिटी नूं मन ही नहीं रहा हाई कोर्ट नूं इंटरवीन करना पिया है। अज हरेक कोई व्यापार जिहड़ा है गुंडागर्दी या फिरौती जी नूं लैके अगवा किया व्यापारी या हो रहे हैं फिरौतियों के फोन आ रहे हैं क्योंकि लगाम नहीं पै रही कोई ना कोई अंदर जेलों चो बैठ के एक सेफ हेवन जिन्हों कहते ना एक सुरक्षित जगह बन गई उतों ड्रग्स का व्यापार चल रहा है फिरौतियों का व्यापार चल रहा है जी सुपारी दे के मरवाण का काम चल रहा सारा जेलों के अंदरों हो रहा है। ये वास्ते सर भगवंत मान जी किनू दोष देंगे बीजेपी को दोष देंगे। देखो अपनी कमजोरी नूं पर्दा पाण वास्ते उन्हां दी बौखलाहट शो कर रही है भगवंत मान जी दी जिहड़ा मुड़ किड़ के उधरले पासे तुर पैंदे आ जी सानूं केंद्र नहीं कम केंद्र ने रोक रखिया पकड़ के अंदर करो इन्हां बदमाशां नूं जो ही गल है शराब घोटाले लैके कह रहे जी अरविंद केजरीवाल जी जे गिरफ्तारी हुंदी कहिंदे अस्तीफा दिंदे ते जन्म संग्रह कहणगे कि केजरीवाल अस्तीफा देण ना देण आम आदमी पार्टी कह रही जन्म संग्रह करेगी आम आदमी पार्टी। देखो जनमत संग्रह तो हो गया साहब किन्ने ही संग्रह करा लैण जिहड़े कीते उन्हां दे भुगतने पैणगे किन्ना भजणगे हुण जिहड़े है कल फेर आ रहे है आ मन लगदा आखरी फेरी होगी केजरीवाल साहब दी घट्टो घट पंजाब दे उत्ते जिहड़ा बोझ पै रहा तुसीं अज तक देखे नहीं इन्हां दे पोस्टर इत्थे लगे होणे किते ना किते। पहली दफा मैं देखिया पंजाब सरकार दा पैसा भगवंत मान जी का बतौर मुख्यमंत्री तस्वीरां लाण वह भी बहुत सारिया ला रखी हैं 1000 करोड़ रुपए उहदे ते ला रहे हैं पर पहली दफा मैं देखिया भी पंजाब सरकार दे पंजाब दे लोकां दे पैसे दे नाल आ जिहड़ी तीर्थ यात्रा चालू की इन्होंने स्कीम चालू की है उहदे ते केजरीवाल साहब की कल्ले दी फोटो है। इस वायोलेशन ऑफ एवरी रूल एवरी प्रोसीजर सरकार का पैसा किस तरह केजरीवाल साहब नूं प्रमोट करन वास्ते पंजाब का पैसा लग रहा है उहदा तां जवाब देना पऊगा। पर मैं पहले ही कह के हट चुकिया आ सरकार पहला पुराने समय के अंदर इश्तियारी मुजरम होंगे सके इश्तियार लगे होंगे भी आया कि निगाह च आवे तो दस्यो आ इश्तियारी सरकार है हूँ इश्तियार च इन्होंने केजरीवाल साहब को होर रला लिया किन्ना ही ला लैन साहब किन्ने इश्तियार ला लैन जिहड़े कपले किए है ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗਦਾ ਜਵਾਬ। ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਕਾਲਬੁੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਲਟੀਰੀਅਰ ਮੋਟਿਵਸ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
पर जे सरकार कम करूगी नहीं तो नैचुरली अपोजिशन पार्टियां वही अकाली पार्टी है जो दूजी पार्टियां कहंदियां भी केंद्र का दखल नहीं होना चाहिए राज्यपाल का कम नहीं होना चाहिए पर मजबूरी के अंदर सारे नूं राज्यपाल साहब को जाना पैंदा बिकॉज दैट इज द लास्ट रिजॉर्ट डेमोक्रेसी दे विच भी जाके तुसीं दखल करो घट्टो घट्टे सरकार नूं अपनी जिम्मेवारी का एहसास कराओ इन्हां दी जिम्मेवारी लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन करना ना कि गुंडागर्दी करना सर जी।